और कितना इंतज़ार करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतज़ार कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स करवा रहे हैं। और अभी तक अगर हम देखें, बुल सीज़न तो शुरू हुआ है, लेकिन ये बुल सीज़न अभी तक आई थिंक 10 से 20% ही कंप्लीट हुआ है। अभी 70 to 80% बुल सीज़न का आपको पिक्चर देखना बाकी है। और आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जिनके क्वेश्चंस रहते हैं ऑल्ट कॉइन को लेके, चाहे वो टॉप 10 के हों, चाहे 20 के हों, 50 के हों, 100 के हों। और ख़ास तौर पे उन ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे जो तो एक अच्छी कैटेगरी के हैं, अच्छे इकोसिस्टम की हैं, अच्छी मार्केट कैप है उनकी। कुछ एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूँ, XRP, रिपल, कार्डेनो, पोलकाडॉट, ठीक है, ये कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से सोए हुए हैं। XRP की एक रैली दिखी थी जुलाई मंथ में जब विक्ट्री मिली थी, और तब से XRP की वेल तो एक्टिव हैं, और पिछले दो दिन में XRP की वेल्स अच्छे खासे न्यूज़ आ रही हैं, अच्छी खासी बाइंग की है XRP की वेल्स ने पिछले 2 वीक्स के अंदर XRP की। अब ये सिम्टम्स, सिर्फ मैं XRP के बेसिस के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मैं चार्ट्स के बेसिस के ऊपर, टाइम के बेसिस के ऊपर, ठीक है, मार्केट बिटकॉइन करेक्शन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकता है, लेकिन अब वो टाइम नज़दीक है जब ऑल्ट कॉइन्स के जो लवर्स हैं, जिनके पास ऑल्ट कॉइन्स हैं और उनके ऑल्ट कॉइन्स टस से मस नहीं हो रहे, तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो टाइम अब आ रहा है जब बड़ा ऑल्ट कॉइन का सीज़न, हम कोई मिनी ऑल्ट कॉइन सीज़न नहीं देखेंगे, छोटा ऑल्ट कॉइन सीज़न नहीं देखेंगे कि छोटा सा 10% 20% पम्प हुआ कॉइन, नहीं, अब जो सीज़न आएगा ऑल्ट कॉइन्स का वो नए ऑल टाइम हाई तक भी लेके जा सकता है। लेकिन हम जो सीज़न की बात कर रहे हैं वो 200 से 300% की रैली आपको बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स दिखा सकते हैं। और जब ऑल्ट कॉइन्स का टाइम आएगा तो गेनर लिस्ट में ना तो आपको कोई दूसरी कैटेगरी का कॉइन दिखेगा, ना ही तीसरी कैटेगरी का दिखेंगे तो ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि जब ऑल्ट कॉइन्स का नंबर आएगा, ऑल्ट कॉइन्स में मनी फ्लो होगा, तो फिर ऑल्ट कॉइन्स ही अच्छे खासे जंप होंगे। और बहुत सारे लोग बड़े बेसब्री से वेट कर रहे हैं, बहुत इंतज़ार किया है, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत इंतज़ार कर चुके हैं, और उनके ऑल्ट कॉइन्स टस से मस नहीं हो रहे। लेकिन जहाँ आपने इतना पेशेंस दिखाया है, क्योंकि मार्केट के अंदर ना एक सही टाइम का इंतज़ार सभी को करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से नहीं चलता। तो ऑल्ट कॉइन्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑल्ट कॉइन्स बेकार हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर हैं। XRP की बात करूँ, कार्डानो की बात करूँ, तो सीज़न तो आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पेशेंस लेवल भी चेक हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। तो आपने जहाँ पेशेंस रखा है थोड़ा और पेशेंस रखो, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स का सीज़न अब जल्दी हम देखने वाले हैं। बिटकॉइन की पिक्चर दिख गई न्यू ऑल टाइम हाई की, इथेरियम के अच्छे खासे लेवल दिख गए, तो अब नंबर जो आता है वो ऑल्ट कॉइन्स का आता है उसके बाद, क्योंकि मीम कॉइन्स का नंबर बाद में आना चाहिए था, वो पहले ऑलरेडी पम्प हो रहे हैं और अभी तक पम्प हो रहे हैं। लेकिन जितनी बाकी कैटेगरीज हैं, मेटावर्स हो, Web3 हो, ऑल्ट कॉइन्स हो, सबके नंबर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी 70 to 80% बुल रन का नज़ारा पिक्चर बाकी है, और बहुत सारे कॉइन्स अभी भी लो लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, ठीक है, मतलब बहुत सारी कैटेगरी के कॉइन्स नीचे ही बने हुए हैं अभी। तो बुल रन का मैं ये कहूँ 10 से 20% ही एक गाड़ी स्टार्ट हुई है अभी, जो अभी तो बहुत बड़ी पिक्चर बाकी है, और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा इस 2024 का भी और 25 का भी। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे, जैसे ही हमें कुछ और अपडेट मिलेगा, चार्ट्स, न्यूज़ कि हाँ बुल सीज़न अब और जल्दी शुरू हो सकता है, लेकिन उम्मीद है अगले 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में, क्योंकि कभी भी शुरू हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि 2-3 महीने बाद होगा 6 महीने बाद होगा, नहीं, लेकिन इस साल हम बुल सीज़न देखेंगे और ऑल्ट कॉइन सीज़न देखेंगे, ठीक है। तो वेट कीजिए सही टाइम आने का। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।